मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, सभी जगह किसान खाद की परेशानी से जूझ रहे हैं। सरकार खाद्य की किल्लत को खत्म करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन कुर्सी पर बैठे सरकारी नुमाइंदे लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के महोबा से सामने आया, जहां किसान खाद लेने के लिए लंबी कतार लगाकर खड़े हुए हैं और सरकारी समिति के सदस्य लापरवाही बरत रहे हैं, जिस कारण किसान दर बदर भटकने के लिए मजबूर है। वहीं लाइन में खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि वो सुबह से अपने पुत्र के साथ लाइन में खड़ी है और अभी तक खाद नहीं मिली है। वहीं एक बुजुर्ग ने समिति सदस्यों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन खाता धारकों की राजनीतिक पकड़ है, उन्हें आसानी से खाद मिल जाती है, मगर आम जनता को पैसे देकर भी भटकना पड़ता है। कहाँ से आई है? सतारी से। सतारी से? हाथ हटा, हाथ हटा है अपना। अरे ये हाथ हटा, कितनी साल की हो गई? अब काय खिलाने आई थी माता जी? हाथ का हाथ खिलाने आई थी, मैं लगाई खाद जाने भजन दे तो दावत ऐसा तो होगा दो बोरी। अच्छा कब ऐसी आ रही? कब के आ गई थी? सुबह आई थी, कितनी टाइम आई थी? कैसे आई थी खाद लेन? हाँ। सब